सो वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी हम मडाल्स की एक्सरसाइज करेंगे। इसके अंदर आपको पहले रूल्स सारे डिस्कस हमने करा ही दिए हैं पूरे। विल, शैल, वुड, शुड, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, नीड, डेयर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। होप सो आपने सबने रूल्स को अच्छे से पढ़ा होगा, तभी आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला वाला लेके चलेंगे हम। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड। पहली बात तो मैंने आपको बताया था समबॉडी और एनी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि ये इसका रूल नहीं है। समबॉडी पॉजिटिव में लेते हैं और एनी बॉडी नेगेटिव में लेते हैं। सम पॉजिटिव में लेते हैं और एनी नेगेटिव में लेते हैं। आई हैव सम रुपीज इन माई पॉकेट, हैव यू एनी रुपी इन योर पॉकेट, तो मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वो यूज एनी। जैसे बोलते हैं एनी बॉडी हैज एनी डाउट, पता नहीं है ना है या नहीं है, तो एनी बॉडी। सम बॉडी मतलब कन्फर्म। माई ब्रदर थिंक्स दैट समबॉडी मस्ट हैव, पक्का बोल रहे हैं मस्ट हैव डेयर्ड हिम। वर्ब आ रही है तो वर्ब के पहले हम डू का इस्तेमाल करेंगे, टू हिम टू स्टील। ठीक है, वेन आई वॉज यंग, पास्ट टेंस की बात आ रही है, कैन लग ही नहीं सकता, कुड लगाएंगे। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो यहां पे मोडाल्स की बात हो रही है, एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीड नॉट कम हेयर। ठीक है, तो सिंपल नीड के लिए नहीं लगाना। हम टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। ही डेयर नॉट टू गो देयर, बहुत सिंपल है ये, देखो क्या आ रहा है। ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो जब भी डेयर है उसके नेगेटिव में आ रहा है, तो उसके बाद हमने टू नहीं लगाना था। आई यूज टू, ये तो हमने काफी बार डिस्कस किया था। आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, आसान एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो मैंने अभी एग्जांपल बताया था पहले। अ सोल्जर कुड फाइट, लड़ सकता है, लड़ नहीं सकता भैया, लड़नी लड़नी है उसको, तो यहां पे कुड की जगह पे क्या आएगा, मस्ट। आई वुड रादर डाई, ये भी एग्जांपल हुआ था, डाइट नहीं है, आई वुड रादर डाई देन बैग। यहां पे देन की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। I would rather die than beg. Comparison हो गया सातवें के अंदर। Next, he hoped that he will pass the examination. Past tense की बात चल रही है, तो past tense की बात चल रही है, तो will नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, would. ठीक है, ये वैसे direct indirect का भी केस था, मैंने आपको समझाया था पहले। You need not to work hard, but You need not to waste time on unimportant lessons. तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है। We need not to work hard, but you need not waste. You need to work hard, but you need to waste time on unimportant. यहाँ पे एक थोड़ा गलत लग रहा है, एक मिनट रुको। Sorry, you need not to. Sorry, need not नहीं है, sorry, यहाँ पे to को लगाना है। टू लगाने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव बन गया। अभी बताया था ना, डेयर के बाद नेगेटिव आ रहा था तो हमने टू हटा दिया था, सेम नीड के बाद नेगेटिव आ रहा है तो टू हटा दिया। ठीक है, ऊपर डेयर का भी एग्जांपल लिया था हमने। वो उड़ा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इज, ये लो वापस आ गया। ठीक है, She would break, broke a plate every day when she came to Delhi last month. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब भी कोई मडाल्स आते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे आएगा break. Broke नहीं आएगा, मडाल्स के बाद क्या आना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। The old lady prayed that he may live long. देखो क्या आ रहा है, The old lady prayed that he may live long. तो यहां पे हम बोल रहे हैं, तो ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग के लिए यहां पे आएगा माइट। नेक्स्ट, यहां पे थोड़ा स्ट्रक्चर की गलती आ रही है, यहां पे ना वैसे बनना चाहिए था, वो ओल्ड लेडी अपने लिए प्रे कर रही है, तो ओल्ड हो गया तो इसलिए माइट इस्तेमाल किया हुआ है। थोड़ा स्ट्रक्चर की गलती है, बट आपको ये लॉजिक समझना, मे और माइट के बीच में क्या गलती है। मे मतलब पॉसिबिलिटी, अब 100 साल का बंदा प्रे कर रहा है कि भाई मैं बहुत लंबा जीऊँ, तो वहाँ पे तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए माइट लगा है। तो यहाँ पे ना प्रेड दैट
शी लगा दो, और अपने लिए की आ रही है, कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हो रखी है। रामा मस्ट नॉट, मस्ट नॉट, यहाँ पे भी नॉट लगाने की जरूरत नहीं आ रही, तो यहाँ पे रामा मस्ट नॉट के बाद टू लगाने की जरूरत, नेगेटिव के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल्ड, बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, शुड बी रिसाइकल्ड। द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसेफलिट्स, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन, बी एबल टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी रूल बताया था आपको। द पुलिस थिंक दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, तो दोबारा देखो, द पुलिस थिंक दैट ही माइट भी होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ही मे लिव लॉन्ग, नहीं मे ही लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ही रिटर्न्ड द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजिली, फिर भी उसने वापस कर दिया हालांकि वो रख सकता था, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड हैव कैप्ट, पास्ट टेंस की बात आ रही है तो क्या बनना चाहिए, कुड हैव कैप्ट, कुड हैव कैप्ट। वेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स, तो देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, वेन यू वर यंग यू ऑट टू लर्न गुड हैबिट्स, यू ऑट टू Have learned, have लगा के हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। If you get good marks, I shall happy as much as you. If you get good marks, I shall be happy. If you get good marks, I shall be happy. ठीक है, यहाँ पे लगेगा। We ought to honest in our dealings. तो हमने क्या बताया था अभी आपको पहले, We ought to be honest. तो यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म के साथ honest का थर्ड फॉर्म लगानी नहीं है, बी, We ought to be honest in our dealings. मतलब ये मॉरल ड्यूटी है, इसलिए हमने ought to लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, It is very cold here. I should have brought, had के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी, जब भी थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीच में हैव लगाना पड़ता है, तो हैव लगाने के बाद लगा सकते हैं। आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, तो ये आपको आपको यूज टू वाला रूल आ गया दोबारा से, तो क्वेश्चन बन रहा है आर यू यूज टू, तो यहाँ पे यूज टू की बात जनरल हो रही है, यहाँ पे क्या सिंपल होना चाहिए, आर यू टू के बाद यहां पे हमने बताया था गेटिंग, आई एनजी लगेगा, तो यहां पे बन जाएगा गेटिंग, ठीक है। आर यू यूज टू, कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, आई एनजी लगा दो। एज फार एज आई थिंक शी वुड बी, पॉसिबिलिटी है, वुड लगा दो, वुड, ठीक है। पॉसिबिलिटी में हमने क्या लगा दिया, वुड। आई थिंक द न्यूज माइट ट्रू, तो यहां पे क्या आएगा, I think the news might be true. Might be true. Last करेंगे दो रह गए हमारे। Very soon I realize that he is, realize है तो past tense की बात हो रही है, तो is नहीं आएगा, क्या आएगा, was. He remembered that his visa will be expired in a month. तो यहां पे आएगा विल की जगह पे वुड, रिमेंबर्ड पास्ट टेंस हो गया, वुड, ठीक है। इसके ऊपर हम एक अच्छी एक्सरसाइज और भी ले लेंगे, अभी तो छोटी सी कराई है एक एक्सरसाइज, एक बड़ी एक्सरसाइज और कराएंगे जिसमें पूरा डिटेल वर्जन में सारे एयर्स आपके इलेबोरेट हो जाएंगे, उससे आपको हेल्पिंग वर्ब की भी नॉलेज आ जाएगी और मोडल्स की भी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।